वहीं सामाजिक संस्था पारदर्शन ने उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर को पर्यटक स्थल बनाने की बात कही है। दरअसल इनका कहना है कि जो उधमपुर का जगन्नाथ मंदिर है वो पूरे भारत में दूसरा ऐसा मंदिर है जो इस्टेब्लिश्ड है। एक उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है और दूसरा उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर है। इस वजह से ही इस जगन्नाथ मंदिर को पर्यटक स्थल बनाया जाए ताकि यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल सके और जो पिछड़े इलाके हैं उनको उनकी कुछ तरक्की भी हो सके। हालांकि इस सामाजिक संस्था के लोगों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन को इस बारे में बात की है प्रशासन से, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है, ना ही किसी बात की जानकारी दी गई। अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ये मंदिर जो कि एक इतना अच्छा इतिहास होल्ड करता है, कितनी अच्छी हिस्ट्री होल्ड करता है और इसको जिस तरह की इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए वो इम्पोर्टेंस तो दूर की बात, इस एरिया को गोल मेले को हम एडमिनिस्ट्रेशन ने टाउन एरिया के अंडर तक नहीं रखा।